Hi, words are important for making your language strong, effective. Unless you have the command over words, जब तक कि आपको शब्दों के ऊपर पूरा कमांड ना हो, आप किसी भी लैंग्वेज को लिखना बोलना इफेक्टिव नहीं बना सकते. एंड सो इज विद द इंग्लिश लैंग्वेज. सो हाउ टू एनरिच वर्ड्स, कैसे शब्दों को मजबूत करें, कैसे उतने शब्द आपके स्टॉक में रहें जिसको आप लिखने और बोलने में यूज कर सकते हो. सो दिस इज अ लिटिल आर्ट, अ स्मॉल आर्ट, बट मोर अ वर्क. लाइक यू हैव टू वर्क ऑन दैट. जब भी आप शब्द पढ़ते हो, इग्नोर मत कीजिए. नेवर इग्नोर वर्ड्स व्हाइल रीडिंग और व्हेनेवर द वर्ड्स कम इन योर माइंड, यू मस्ट सी द स्पेलिंग. बहुत ध्यान से देखना है स्पेलिंग्स क्या है. द सेकेंड इज हाउ द वर्ड इज यूज इन अ सेंटेंस. यदि आपने कभी पढ़ा, आपने एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको देखना है कि शब्द को किस रूप में इस्तेमाल किया गया है. वर्ब का फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, क्या फंक्शन है और साथ ही साथ उसका यूज कैसे किया जाता है. अनलेस यू फोकस ऑन द यूज ऑफ वर्ड, और जब तक कि आप उस वर्ड का इस्तेमाल और यूज ना करना सीख जाए, दैट वर्ड पावर इज नॉट गोइंग टू बी इन योर माइंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक ही बात बोलते हैं, सर वर्ड पावर कैसे याद किया जाए, याद नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स होते हैं जहां लाइन लगा करके वर्ड पावर सुना जाता है. इज दैट द राइट वे, क्या वो करेक्ट मेथड है? नो. Mugging up, the more, the fast you mug up, the fast you forget. जितना तेजी से रटते हैं उतना ही तेजी से भूलते भी हैं. तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? What is the solution? Solution है कि हर एक वर्ड को जब आप याद करें तो मगअप के बजाय उसको पिक्चराइज करें, उसको देखें कि उस शब्द को आप फील करेंगे पिक्चर के रूप में कि इसको कहां एडजस्ट करेंगे. Unless you picturize it, हमारे माइंड को ना पिक्चर्स बहुत याद रहते हैं. कुछ देख लिया हो ना तो अरे मैंने देखा था. तो देखिए शब्दों को कैसे इस्तेमाल होता है, क्या उसके स्पेलिंग्स होते हैं और किन किन सर्कमस्टेंसेस में एक वर्ड लगता है. सो डोंट गो इन हेस्ट, हड़बड़ी में मत रहिए. HAST हमारा वर्ड क्या है, मैंने अभी बोला. जब भी आप सुनिए तो भी इफेक्टिव. हेस्ट, डोंट बी इन हेस्ट, हड़बड़ी में मत रहिए. बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, haste leads to waste of time. हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है. यदि आप ध्यान दें तो बहुत सारे वर्ड के स्पेलिंग, बहुत सारे वर्ड के यूज, जब भी आप सुनते हैं किसी स्पीकर को और पढ़ते हैं किसी राइटर को, यू आर रीडिंग, यू आर ऑलवेज इंप्रूविंग, कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग योर वर्ड पावर एंड द पावर. नाउ आई विल जस्ट मूव टू वर्ड्स टूडे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. ये हमारा बुक है, करेक्ट योर इंग्लिश, रिटन बाय मी, एंड वी आर ऑन द पेज नंबर 236 ऑफ करेक्ट योर इंग्लिश. द बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड आल्सो फ्रॉम पेस इंस्टीट्यूट. यू कैन ऑर्डर एनी टाइम. वेल, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिस्ट. ये सिनोनिम्स क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? तो सिनो मतलब सिमिलर इन मीनिंग, और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट इन मीनिंग. यदि कोई सिमिलर इन मीनिंग वर्ड है तो उसको बोलते हैं सिनोनिम्स, और अपोजिट इन मीनिंग वर्ड है तो उसको बोलते हैं एंटोनिम्स. तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन से वर्ड, जब भी आप वर्ड पढ़ते हैं तो उसके सिनोनिम्स क्या है, उसके एंटोनिम्स क्या है, और इससे फायदा क्या होगा. जब भी आप किसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानते हैं और उसका हिंदी मीनिंग नहीं देखते हैं तो उसका एक फायदा है. क्योंकि जब भी आप इंग्लिश का हिंदी याद करते हैं तो क्या होता है कि आपको वक्त पर लिखने और बोलते समय इंग्लिश का सब्स्टिट्यूट इंग्लिश वर्ड नहीं याद आ रहा है तो उसके बदले हिंदी आ जाएगा. तो आप और भी पजल्ड हो जाएंगे कि इसको बोले तो बोले कैसे, लिखे तो लिखे कैसे. हाँ, यदि आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखा है तो वो वर्ड नहीं आ रहा है जो आपको आपको याद किया था, वो नहीं आ रहा है, तो उसके सिनोनिम भी लिखकर काम चल जाएगा, या फिर एंटोनिम को भी नॉट लगा करके नेगेटिव स्टेटमेंट बना करके काम चल जाएगा. तो जब आप सिनोनिम एंटोनिम याद करते हैं तो आप यूज आसान सीख लेते हैं. दैट यूज बिकम्स इजी. सो हियर वी बिगिन विद अबेट. सपोज आप अबेट का मतलब नहीं जानते. ए बी ए टी, अबेट का मतलब क्या हुआ?
तो इसको सिनोनिम एंटोनिम से समझ सकते हैं। इसका सिमिलरली मीनिंग है मॉडरेट। अब मॉडरेट तो आपने सुना होगा, इज अ मॉडरेट पर्सन, एक्सट्रीम ना हो जो चीज। आपने हिस्ट्री में भी देखा होगा मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट, तो इससे कोरिलेट करते हैं, ऐसे कोरिलेट करते हैं वर्ड पावर में। तो डिक्रीज, देखिए जब भी कोई चीज मॉडरेट हो रहा हो यानी हल्का हो रहा हो, एक्सट्रीम ना हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो उसको अबेट कहते हैं। तो अबेट का क्या मतलब हुआ, अबेट का मतलब हुआ वर्ब हुआ, ये एक्शन बता रहा है कि अबेट करना यानी कि कम करना, डिक्रीज करना। डिक्रीज भी वर्ब है, एक बात याद रखिएगा, जो वर्ड यदि यहां वर्ब है तो उसका सिनोनिम भी वर्ब ही होगा, उसका एंटोनिम भी वर्ब ही होगा। यदि कोई वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम भी नाउन ही होना चाहिए और उसका एंटोनिम भी नाउन ही होना चाहिए, यानी सब अपोजिट इन मीनिंग और सिमिलर इन मीनिंग सेम फंक्शन काम करते हैं। तो अबेट वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, मॉडरेट करना, डिक्रीज करना, मॉडरेट करना। और यदि इसी का उल्टा एग्रेवेट करना, सपोज आपकी कोई बीमारी बढ़ रही है तो आप कैसे बोलेंगे, माय फीवर इज एग्रेवेटिंग, माय द डिजीज इन हिम इज एग्रेवेटिंग। बीमारी बढ़ रहा है, द डिजीज इन हिम इज एग्रेवेटिंग। तो जब तक ये एग्रेवेट आपने पढ़ा और इसको यूज नहीं किया सेंटेंस में, तो आप बिल्कुल इससे अनअवेयर रहे। यू विल बी अनअवेयर ऑफ द वर्ड, कि इस वर्ड को इस्तेमाल करे बोलने में तो लिखने में तो कैसे करें जब तक। सो हिज प्रॉब्लम इज एग्रेवेटिंग, उसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हिज प्रॉब्लम इज एग्रेवेटिंग, नो हिज प्रॉब्लम इज डिक्रीजिंग, हिज प्रॉब्लम इज मॉडरेटिंग, द प्रॉब्लम्स आर मॉडरेटिंग नाउ, डिक्रीजिंग नाउ, अबेटिंग नाउ। तो abating, moderating, decreasing, these are verbs in participle form, present participle form, and aggravating is just antonym or is that antonym of that or is that verb होते हैं। Now let's move to the second word. मैं एक साथ आपको four words पर clear किया, मैंने abate बताया, moderate बताया, decrease बताया, aggravate बताया। Let's move to the next word. Next word है हमारा adhere. Adhere. Adhere का मतलब होता है comply. या फिर ऑब्जर्व। यदि आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व किसी चीज को ध्यान देते हैं, आप किसी चीज का पालन करते हैं, कॉम्प्लाई करते हैं, उसके तहत चलते हैं। तो एडहेयर मतलब कॉम्प्लाई, एडहेयर इज ऑल्सो वर्ब, कॉम्प्लाई इज ऑल्सो वर्ब, ऑब्जर्व इज ऑल्सो वर्ब। ये हुआ सिनोनिम, सिमिलर इन मीनिंग। तो इसका एंटोनिम क्या है, आप किसी को पालन नहीं करते हैं, आप उसको कंडेम, निंदा करते हैं, कंडेम मिलता जुलता है, पूरा एग्जैक्ट अपोजिट नहीं, अपोजिट सिमिलर मींस सिमिलर इन मीनिंग एंड अपोजिट इन मीनिंग इक्वली। सो कंडेम, डिसजॉइन, आई डिसजॉइन हिज प्रपोजल, आई डिसजॉइन दैट मीटिंग, आपने मुझे नहीं ज्वाइन करना, आई डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स, आई डिसजॉइन द रूल्स, द रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, आपको अच्छा नहीं लगता है किसी संस्थान के, किसी इंस्टीट्यूशन के, संस्थान इंस्टीट्यूशन institute संस्था। So any institution or institute, if you do not like the norms, the rules, regulations, तो आप उसको adhere नहीं करते। You do not adhere to the rules. Do not. आप इसी को negative करना चाहते हैं, not adhere. Comply, not comply. Compliant, non-compliant. Noun है. Observe, unobserve. And condemn, I do not condemn. तो उसी तरह से इसका उल्टा कंडेम और डिसजॉइन, नॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं। सो सिंपल, आपको कई तरीके इंग्लिश में वर्ड को ध्यान में रखने का, यूज करने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि आप रखते हैं तो उसके साथ ये क्या करिए कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि शब्द इस्तेमाल कैसे होते हैं, उसका सिमिलर इन मीनिंग क्या होता है, उसका अपोजिट इन मीनिंग क्या होता है, उसको बोलने में कैसे कैसे सेंटेंसेस के साथ बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंसेस को आप, जैसे फ्लाई क्या है, फ्लाई वर्ब है और वो फ्लाई बहुत लोग सोचते हैं द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, और ये शुरुआत से बहुत सालों से इनट्रांसिटिव यूज ही होता है, इनट्रांसिटिव वर्ब, इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता था। लेकिन इधर कुछ लास्ट टू डिकेड से, 20 सालों से देखा गया है कि फ्लाई को ट्रांसिटिव वर्ब बनाया गया है। यू फ्लाई एवर इट्स, यू फ्लाई
सपोज इंडिगो, यदि आप किसी फ्लाइट का पर्टिकुलर फ्लाइट लेते हैं तो यू कैन सी फ्लाइट दिस, तो फ्लाइट को भी ट्रांसिटिव बनाया गया। तो वर्ड के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, यू नो इंग्लिश ऑल्सो कीप मॉल्डिंग, चेंज होते रहता है। वेल मूविंग अहेड, एबॉलिश, अगेन वर्ब एबॉलिश, एबॉलिश द रूल। राजा राम मोहन रॉय एबॉलिश्ड द सती प्रथा। एबॉलिश मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तो एबॉलिश का क्या मतलब होता है? एब्रोगेट। अब पहले हमने एग्रेवेट पढ़ा और ये एब्रोगेट। एग्रेवेट का मतलब बढ़ाना और एब्रोगेट जस्ट उसका उल्टा है, उसका मतलब घटाना। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 375 फ्रॉम काश्मीर, एब्रोगेशन। सो एब्रोगेट एनल, एनल मतलब नल कर देना। एनल मतलब क्या होता है? नल कर देना। नल मतलब वॉइड, जीरो। तो एग्रोवेट, एबॉलिश, एबॉलिश, एग्रोवेट, एनल। अब इसी का सिनोनिम, एंटोनिम देखिए, जो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम पॉजिटिव हो जाएगा, वो है सेटअप। टू सेटअप समथिंग, टू सेटअप एन आर्टिकल, टू सेटअप अ लॉ, टू सेटअप अ रूल। आवर फ्रीडम फाइटर्स आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस डिसाइडेड टू सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन, सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टैब्लिश। ध्यान रहे, एस्टैब्लिश का उल्टा हो गया एनल, एस्टैब्लिश का उल्टा हो गया एब्रोगेट। यदि कोई रूल हटाना है तो एब्रोगेट, यदि कोई रूल सेट करना है तो सेटअप। Acumen. Acumen क्या है? Acumen is skill. You have this acumen. He has the acumen to fix the vehicle. किसी भी खराब गाड़ी को बनाने का उसका एक अपना अंदाज है, स्किल है। सो एक्यूमेन, एक्यूमेन इसका मतलब वो अवेयरनेस है, उसको जागरूकता है, उसको नॉलेज है, उसका ब्रिलियंस है। So acumen means skill, awareness, brilliance. ये noun है, acumen noun है। अभी तक आपने तीन verb देखा था और acumen noun है, और this उसका acumen noun का synonym भी noun होगा और antonym भी noun होगा। Awareness, जिस भी word में देखिए, बड़ा बहुत ही अच्छा एक और technique बताता हूँ word power को समझने का। Prefix और suffix समझ करके आप सारे सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये अवेयर क्या होता है, अवेयर एडजेक्टिव होता है, यहां से लेके यहां तक अवेयर एडजेक्टिव है। अब उसमें किसी भी एडजेक्टिव में आप नेस लगा दें तो नाउन ही कन्वर्ट होता है, दिस बिकम्स नाउन। जैसे अवेयरनेस, उसी तरह ए एन सी लगा दे तो नाउन ही बनता है, ब्रिलियंट से ब्रिलियंस। तो कुछ सफिक्स को ध्यान में रखना है कि क्या करते हैं, उसमें से है नेस, शन और एंस, ये हमेशा नाउन बनाते हैं। तो इसको नाउन बनाया गया, एक्यूमेन नाउन है, तो अवेयर से एडजेक्टिव से अवेयरनेस, ब्रिलियंस। और आईटीवाई भी नाउन बनाता है, ध्यान रहे, आईटीवाई भी जिसमें सफिक्स लगा, सफिक्स मतलब वो पार्ट ऑफ वर्ड जो वर्ड के बाद लग रहा हो, सफिक्स, और उस वर्ड के पहले लग रहा हो अन, इन, तो नेगेटिव बनाने के लिए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स नेगेटिव बना सकता है किसी वर्ड का, उसी तरह सफिक्स भी कुछ नाउन और अलग अलग फॉर्म चेंज कर सकता है, नाउन बना सकता है, एडजेक्टिव बना सकता है, वर्ब बना सकता है। तो स्टूपिड क्या है? एडजेक्टिव है, और आई टी वाई लगा दिया उसमें, स्टूपिडिटी नाउन। स्टॉप योर स्टूपिडिटी, डोंट टू डोंट ट्राई टू एक्ट स्टूपिड, स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस। अभी मैंने बताया ए एन सी लगता है, तो अब यह है इसका एंटोनिम। हमारा सिनोनिम क्या था? एक्यूमेन का सिनोनिम है अवेयरनेस एंड ब्रिलियंस, और जस्ट उसका उल्टा पॉजिटिव मीनिंग स्टुपिडिटी, यानी एक्यूमेन अच्छा है और स्टुपिडिटी ओ नॉनसेंस, व्हाट इज इट, इज इट इज नॉनसेंस, इग्नोरेंस। आगे बढ़ते हैं, अबैश, अबैश फिर से वर्ड आ गया। अबैश का मतलब होता है डिस्कनेक्ट, डिसकंसर्ट, रैटल। यदि आप कोई चीज को खत्म करते हैं,
डिसकंसर्ट करते हैं, रैटल रैटल. डू यू नो द मीनिंग ऑफ रैटल? आपने रैटलिंग साउंड सुना होगा. जब भी अर्थक्वेक आता है उसको वहां पर रैटल साउंड को यूज करते हैं, रैटलिंग. आई हर्ड समथिंग रैटलिंग. जो अचानक खलबली का आवाज आता है ना, रैटलिंग थिंग्स एंड थिंग्स, कोई चीज के टूटने का, उस टूटने की आवाज को रैटल कहते हैं. साउंड का नाम ये रैटल है. A bass this concert rattle, और यदि कोई फॉर्मली उसको मजबूत करा, होल्ड, डिसकंपोज. उसी तरह से आगे बढ़ते हैं वर्ड एब्सोल्व. एब्सोल्व बोल सकते हैं जब भी एस के बाद ऐसा भवन हो तो एब्सोल्व बोलेंगे. एब्सोल्व पार्डन, माफ करना. एब्सोल्व लेटिंग गो, पार्डन माफ करना, एब्सोल्व है. चलो रहने दो, कोई चीज को रहने दो. एब्सोल्व इट एंड ऑन फॉरगेट इट. तो होगा पार्डन और फॉरगिव. फॉरगिव मतलब माफी, पार्डन मतलब माफी. आप माफी कई तरह से एब्सोल्व कर दीजिए. प्लीज एब्सोल्व द इशू, प्लीज पार्डन इट, प्लीज फॉरगिव इट, प्लीज फॉरगिव मी. आप किसी व्यक्ति को फॉरगिव करते हैं, किसी इशू को पार्डन करते हैं और एब्सोल्व करते हैं. सो पार्डन फॉरगिव ये सारे वर्ब हैं. एबैश भी वर्ब था और ये एब्सोल्व भी वर्ब है, पार्डन भी वर्ब है, फॉरगिव भी वर्ब है. अब इसका उल्टा क्या, व्हाट विल बी द एंटोनिम? एंटोनिम होगा कॉम्पेल. कॉम्पेल एक्यूज. आप किसी को कॉम्पेल करके कुछ करें या एक्यूज करें कि नहीं तुमको ऐसा तुमने किया. यदि आप एक्यूज कर रहे हैं यानी ब्लेम कर रहे हैं, उसको गिल्टी बना रहे हैं. टू एक्यूज समवन मींस टू मेक हिम गिल्टी, टू प्रूव हिम गिल्टी. एक्यूज कंपेल, कंपेल हिम टू गिल्टी, कंपेल हिम टू बी रॉन्ग एंड यू आर फॉरगिविंग हिम. सो इसको फॉरगिव का जस्ट एंटोनिम होगा कंपेल. आई विल कंपेल यू फॉर दैट, आई विल एक्यूज यू फॉर दैट, आई एम नॉट गोइंग टू पार्डन यू फॉर दैट. यदि आप किसी चीज को माफ करने वाले तो आई एम गोइंग टू पार्डन यू फॉर दैट. और मैं उस चीज के लिए आपको माफ नहीं करने, आई एम गोइंग टू कंपेल यू फॉर दैट, आई एम गोइंग टू एक्यूज यू फॉर दैट. तो टू के बाद टू कंपेल, टू एक्यूज, टू पार्डन, टू फॉरगिव, ये वर्ब है. और इसका आपने सिनोनिम और एंटोनिम देखा. इसी तरह से एब्ज्योर. एब्ज्योर का मतलब होता है फिर फोर से त्याग देना, छोड़ देना. फोर से रिनाउंस, रिनाउंस कर देना. द फादर वॉज सो एंग्री ऑन हिज सन दैट ही renounced him from the his property. So that is for renouncement. ऐसा कोई अनाउंसमेंट जो एक सर्टिफिकेशन टाइप का हटाने का दे रहे हैं, आप हटाने का कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो रिनाउंस हुआ. अनाउंस से बना रिनाउंस, अनाउंस बोलना. रिनाउंस हटा, कोई चीज का हटाने का जिक्र करना. एंड डिनाउंस किसी को बदनाम करना कि उसने ऐसा किया है. फोरसेक. तो उसी तरह एब्ज्योर का हो गया फोरसेक, रिनाउंस. और इसी का उल्टा अप्रूव, सैंक्शन. अप्रूव हिम हिज हेयर. द फादर अप्रूव्ड हिज सन एज अ लीगल हेयर ऑफ द होल प्रॉपर्टी. अप्रूव करना, स्वीकृति प्रदान करना. देखिए कुछ शब्द आपको बचपन से आपने सीखा होगा, उसका फायदा उठाइए. हर एक वर्ड को कनेक्ट कीजिए, सब वर्ड मिलते जुलते जो भी हैं एक तरह के एक साथ करिए. आपके माइंड यदि रिकलेक्शन, यदि यू कैन रिकलेक्ट दैट व्हाट डिड यू स्टडी इन द लोअर ग्रेड्स, लोअर क्लासेस, यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एंड यूज दिस. तो वेल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड इन माई बुक क्रैक योर इंग्लिश. You just have to go through it, and if you have any kind of problem, आपको किसी तरह का problem होता है इस book को पढ़ने में, तो आप मेरे WhatsApp number पे contact कर सकते हैं 9334314161, and I will definitely reply to your questions. 9334314161 पे आप WhatsApp करके अपने problems का solution कर सकते हैं. Just you need to follow and read the book, correct your English, and I am going to assist you absolutely free. बोलते हैं ना, यदि किसी में सीखने का जज्बा हो जाए तो वो जरूर सीख लेगा. उसको अपने आप गुरु भी मिल जाएंगे और गाइड भी मिल जाएंगे. यू डोंट नीड टू वरी. तो आप घर बैठे सीख सकते हैं. कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चन. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.